शहर सार्वजनिक स्वच्छता पर सालाना 1 करोड़ से अधिक खर्च करता है, लेकिन स्वच्छता का बोझ बढ़ रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और नालियां जाम है। शहर में चर्चा है कि सफाई कर्मियों को कम मानदेय और नगर सेवकों को प्रतिमाह 2 गुनी राशि मिलती है। पॉकेट कल्चर के कारण शहर का विकास बाधित होने पर नागरिक नाराजगी जता रहे हैं। नगर पंचायत ने शहर में हर दिन जमा होने वाले कचरे को इकट्ठा करने के लिए नागपुर की कुही में एक निजी कंपनी नियुक्त की है। हर घर में कचरा संग्रहण यह कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी पिछले 3 साल से घर घर जाकर कचरा इकट्ठा कर रही है, लेकिन यह महीनों से फेल हो रहा है। इसलिए शहर के हर खुले स्थान पर आज भी कूड़े के छोटे बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। हालांकि यह मामला शहर के करीब 10 से 15 हजार नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद गंभीर है, लेकिन आदत के मुताबिक इसकी अनदेखी की जा रही है। शहर के 17 वार्डो में कूड़ा उठाने के लिए रिक्शा आती है, यह एक दोषपूर्ण वाहन है। संचित कचरे को बिल्कुल भी संसाधित नहीं किया जाता है। यहाँ पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर बन गए हैं। क्या संबंधित अधिकारी भी जानबूझकर इस पर आंखें मूंद रहे? ऐसा सवाल उठता है। हरी सब्जी निकलकर अधिकारी चुप क्यों है? यदि यह निजी कंपनी शहर में 100% डोर टू डोर कलेक्शन करती है तो नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकेंगे, लेकिन फिर भी कंपनी बुरी तरह विफल होती दिख रही है। इसके अलावा वार्ड में प्रतिदिन घंटी नहीं बजती है। गटरों के समय पर सफाई नहीं, गटरों की सफाई के बाद ही यदि संबंधित कंपनी के सुपरवाइजर से असामयिक कीचड़ हटाने के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वह अरे रावी की भाषा बोल रहा है, ऐसा कोही की जनता कह रही है। बीसीएन न्यूज के लिए कोही से संजय अधकरी की रिपोर्ट।